एंड आई चैलेंज यू कि अगर आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट रिबॉन्डिंग स्मूदनिंग स्ट्रेटनिंग जो भी कराने की सोच रहे हैं इस एप्लीकेशन के बाद मिनिमम एक से दो महीने के लिए तो वो पोस्टपोन होने ही वाला है और अगर हर महीने आप इसको ट्राई कर सकें अपने लिए तब तो शायद आप कभी करा ही नहीं पाएंगे सैलॉन जा ही नहीं पाएंगे चलिए माय ब्यूटीफुल पीपल जल्दी से नीचे लिखकर बताइए कि आप में से किन किन लोगों ने हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट अपने बालों के लिए करा रखा है इसको ब्राजीलियन ट्रीटमेंट भी कहा जाता है कितने अवधि के लिए आपको रिजल्ट मिले और प्राइस क्या था इस ट्रीटमेंट का ये नीचे लिखकर बताइए क्योंकि आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं इट इज नो लेस देन हेयर बोटॉक्स एट होम जी हाँ ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा नेचुरल इंग्रीडियंट्स और गजब के रिजल्ट नो साइड इफेक्ट्स नो ब्रिटल हेयर कोई स्प्लिटिंग नहीं किसी भी प्रकार से बाल ड्राई एंड डैमेज या डल नहीं लगेंगे एंड यू विल हैव अमेजिंग रिजल्ट फॉर योर ध्यान से देखिए सुनिए समझिए एग्जीक्यूट कीजिए एंड सी द मैजिक योर ये जानते हैं वॉट ऑल नीड्स टू बी डन हेलो टू मै वन फैमिली प्रेजेंट ओवर हियर वेलकम बैक टू द चैनल थैंक यू फॉर वेलकमिंग बैक ऑन द चैनल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बीइंग एब्सेंट ऑन मंडे एंड वेंसडे मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ अवश्य शेयर करूं इस बार मैंने मिस कर दिया बट नेक्स्ट टाइम से आई श्योरली टेक केयर मैंने आप सबके कॉमेंट्स पढ़े थे थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आप लोगों ने मुझे भेजा थैंक यू थैंक यू एंड बहुत सारा थैंक यू आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा ट्रीटमेंट जो कि आपको बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट जैसे रिजल्ट्स देगा आपके बाल मैनेजेबल हो जाएंगे आपके स्प्रिटेंस में आपको काफी सुधार दिखेगा जो डल और डैमेज आपके बालों में अपियरेंस है वो फिक्स हो जाएगी जो शाइन और लस्टर आपके बाल मिस करते हैं वो भी आप वापस से अचीव कर सकते हैं ध्यान से देखिए थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो शायद ट्रीटमेंट में जो हमें चाहिए वो चीज मिस हो जाए इसीलिए प्लीज पे अटेंशन वॉच द वीडियो कंप्लीटली एंड सी द मैजिक फॉर योर सेल्फ सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है एक पैन जिसमें आपको लेना है दो बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च कॉर्न स्टार्च के बारे में अगर आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि कि फॉर योर हेयर आप हैरान हो जाएंगे कि ये कोई साइड इफेक्ट नहीं रखता और आपके बालों के लिए इतने अच्छे बेनिफिट्स दे सकता है अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो मात्र कॉर्न फ्लावर को अगर आप हल्का सा छिड़क देना तो ड्राई शैम्पू का, का काम करता है जी हाँ यू कैन ट्राई आउट फॉर योर हल्का सा यू नो फ्लेकी जैसा हो जाता है तो आपको झाड़ना पड़ता है तो शॉर्ट हेयर वाले कर सकते हैं लॉन्ग हेयर वालों के लिए फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है बट येस इट्स अ ग्रेट ड्राई शैम्पू लेकिन हमें इसे ड्राई फॉर्म में यूज नहीं करना है हमें इससे जेल अचीव करना है तो दो चम्मच कॉर्नफ्लार लेने के बाद अच्छे से इसके बारे में पढ़ लेने के बाद आपको इसमें लेना है अप्रोक्सीमेटली तीन कप पानी एक साथ नहीं लिया है पहले मैंने एक कप पानी लिया और पूरे के पूरे स्टार्च को अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि लंप्स ना बने जो कि आगे बनेंगे भी जब हम लेटर ऑन प्रक्रिया करेंगे लेकिन इनिशियली मेक श्योर कि कोई हार्ड लंप नहीं है इसके बाद आप बाकी के दो कप पानी डाल लेंगे और इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे जैसे जैसे ये बॉईल होगा आपको दिखेगा कि ये जो बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद दिखने वाला मिक्स मिश्रण था ये अब धीरे धीरे ट्रांसलूसेंट हो रहा है जेल की कंसिस्टेंसी अचीव कर रहा है आप इसको स्टर करते रहिए अप्रोक्सीमेटली पाँच मिनट के अंदर अंदर ही ये जेल में तब्दील हो जाएगा कंप्लीटली ट्रांसलूसेंट हो जाएगा इस पॉइंट पर आप गैस को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे गरम गरम भी आप इसको छान सकते हैं एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आने दूँ और उसके बाद आगे की प्रक्रिया करूँ जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए आप छन्नी की मदद से मुझे बड़ी छन्नी नहीं मिली इसलिए मैं छोटी छन्नी से काम कर रही हूँ अगर आपके पास बड़ा आ, सीव है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से इसको छान लीजिए वैसे तो ये पूरा का पूरा बहुत सॉफ्ट वर्जन है तो आपको ज़्यादा छानने की आवश्यकता नहीं है पर क्योंकि आप अपनी एप्लीकेशन को बहुत स्मूथ बनाना चाहते हैं इसीलिए हम कोई लंप नहीं चाहते किसी भी तरह का कोई एक्यूमलेशन नहीं चाहते इसीलिए आप इसको छान लेंगे छान लेने के बाद जो सॉफ्ट जेल आपको मिलेगा ना मतलब उसको देखते हैं आप बोलेंगे कि अरे ये एलोवेरा जेल है क्या या फिर ये फ्लैक्सीज जेल है क्या जी नहीं ये हमारा स्टार्ची जेल है जो कि आपके बालों में आपके क्यूटिकल्स को जो भी समस्या है जो भी परेशानी है उसको एड्रेस करेगा बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जस्ट स्टे ट्यून जब आप ये पूरा का पूरा जेल अचीव कर लें इसके बाद आपको दो गजब के दिग्गज इंग्रेडिएंट्स इसमें लेने हैं जो कि है वन टेबल स्पून ऑफ आर्गन ऑयल मैंने एक बहुत ही अच्छा वेरिएंट आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा काफी इकनॉमिकल है एक्सपेंसिव नहीं है आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं काफी खुशबूदार है और काफी लाइटर वेट है आपके बालों के लिए और बहुत अच्छी शाइन देता है एक चम्मच आर्गन ऑयल लेने के बाद आपको इसमें लेना है एक बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल मैंने यहाँ एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल लिया है जो कि बेस्ट काइंड है के लिए ऑलिव ऑयल जैसा कि हम सभी जानते हैं सबसे ज्यादा डीपर पेनिट्रेट करने की क्षमता रखता है आपके क्यूटिकल्स को डिसिप्लिन करने की क्षमता रखता है और जो भी इंग्रेडिएंट्स आप ऑलिव ऑयल के साथ इस्तेमाल करते हैं उनको भी लेकर अंदर पेनिट्रेट कर सकता है जी हाँ तभी हम इसको यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं तीनों ही चीजों को आप अच्छे से मिला लीजिए ऑब्वियसली जो जेल है वो वाटर बेस्ड है और ये दोनों ऑयल हैं कंप्लीटली एक साथ नहीं होंगे लेकिन फिर भी आप अच्छे से विस्क कर लीजिए ताकि ऑन एंड ऑफ आपको सेपरेटेड ना दिखे ऑयल एंड वाटर अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड योर बोटॉक्स क्रीम इज रेडी मजाक समझ रहे हैं क्या मजाक नहीं है अभी लगा कर दिखाएंगे तब आप समझेंगे कि क्या है आपके बालों के लिए करता है आपके बाल गंदे नहीं होने चाहिए दे शुड नॉट बी डर्टी यानी कि अगर आपका शैम्पू ड्यू है देट इज़ फाइन पर बिल्कुल गंदे नहीं होने चाहिए बाल राइट right? धुले भी नहीं होने चाहिए कि भी शैम्पू करना पड़ेगा तभी ट्रीटमेंट होगा नहीं बस इतने होने चाहिए कि बहुत ज़्यादा गंदे ना हो दैट्स इट ठीक है नाउ फर्जी एप्लीकेशन स्टेप नंबर वन आपको अपने बालों को अच्छे से सुलझाना है अगर आप मुझे चैलेंज करना चाहते हैं तो खुशी से कीजिए मत कीजिए स्टेप नंबर वन मत सुलझाइए बालों को लेकिन ये आपका ही नुकसान है बहुत जरूरी है बालों को सुलझाना क्योंकि आगे जो हम स्टेप्स करने वाले हैं उसमें शायद आपको थोड़ा सा हेयर फॉल हो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली डरने की जरूरत नहीं है हेयर फॉल से मेरा मतलब है कि जो बाल जेन्यूनली गिरने हैं अभी आपके अगला वॉश पे बस उतने ही बाल गिरेंगे डोंट वरी कि एक्स्ट्रा बाल गिर गए एंड दिस एंड दैट आई एड शो यू माई फॉल ऑल्सो ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्लीज़ बी रिलैक्स्ड कुछ हम एडिशनल अपने बालों के लिए कर रहे हैं तो बाल थोड़ा सा वेट बिहेव कर सकते हैं लेकिन ये नहीं है कि वो इस एप्लीकेशन की वजह से गिर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं ठीक है तो बी रिलैक्स्ड इसके बाद अच्छे से आपने अपने बालों को सुलझा लिया आपको बालों को दो पार्टीशन कर देने हैं और उसके बाद बहुत छोटे छोटे सेक्शंस आपको लेने हैं मैं दिखा रही होंगी साइड में छोटे छोटे सेक्शन लेते जाइए और इसी क्रीम को चाहे हेयर ब्रश के हेल्प से या हाथों की मदद से जैसे आप कंफर्टेबल हैं लगाते जाइए आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माई हैंड्स तो मैं हाथों से ही अच्छे से अपने बालों को एग्जैक्टली exactly जैसे सैलॉन्स में आपके बालों को ट्रीट करते हैं इंडिविजुअली आपको भी वैसे ही अटेंड करना है अच्छे से पूरी पूरी लेंथ पर लगाइए एंड्स पर प्रॉपरली लगाइए एंड देन नेक्स्ट सेक्शन एंड सो ऑन आधे बाल करने के बाद भी मैंने एक एक साइड के बालों को अप्रॉक्सिमेटली दस सेक्शंस में लिया था मतलब बहुत पतली पतली सेक्शंस लिए थे और फिर मैंने इसको अच्छे से ट्रीट किया सारे के सारे बालों को भाई ऐसा ट्रीटमेंट महीने में एक बार तो बालों को मिलना चाहिए ना कि आप इंडिविजुअली वैसे तो हम हल्का हल्का ऐसे तेल लगाया और हेड वॉश कर दिया यही करते हैं ना लेकिन कुछ ट्रीटमेंट्स आप ऐसे कर सकते हो जिसमें आप इंडिविजुअली स्कैल्प का ख्याल रखें एवरी स्ट्रैंड का ख्याल रखें एंड दैट वेज आपको कभी भी सिलान जाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेरणा बोलती है सिर्फ डी ही करना है भाई जो लोग ऑफिस जा रहे हैं जिनके पास टाइम नहीं है प्लीज गो फॉर सच ट्रीटमेंट्स सिर्फ बैलेंस बनाकर रखिए कभी कुछ नेचुरल भी कर लीजिए दैट इज़ ऑल आई से अगर आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट पार्लर में कराना चाहते हैं टाइम क्रंच है रिसोर्स कर, क्रंच है जो भी है प्लीज़ कराइए डोंट फील गिल्टी अबाउट इट गिल्ट फील करके कोई काम नहीं करना कॉन्फिडेंटली करना है जो भी करना है ओके okay? सो so, अगर आप कराना चाहते हैं प्लीज़ करिए लेकिन अच्छा बैलेंस अपने बालों के लिए बनाइए इसके बाद अगर आपको ऐसे जन है कि भाई हम तो इतने छोटे छोटे सेक्शन नहीं ले सकते हम नहीं कर सकते तो मैंने अपने एक बालों का आधा सेक्शन लाइक आधा मैंने बहुत प्रॉपरली किया एंड द रेस्ट हाफ मैंने सारे के सारे बाल एक साथ लिए बहुत सारा जेल लिया और पहले अच्छे से स्कैल्प को अंदर डीप तक यू you नो know, ये क्रीम लगाया उसके बाद लेंस पर धीरे 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 बहुत टाइम लेके एंड तक एंड तक बिल्कुल यू you नो know, रूट टिप्स तक अपने बालों के ये जेल पहुंचाया सो यू रियली रियली हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दी एप्लीकेशन ना अगर आप लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं तो कंफ्यूज होंगे प्रेरणा कंगी क्यों कर रही है देखिए मैंने छोटे छोटे सेक्शन लिए अच्छे से जेल लगाया और क्योंकि बाल कंप्लीटली सुलझे हुए हैं और ये क्रीम बहुत बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है बालों के लिए इसलिए मैंने सुलझे हुए बालों में जब कोम किया तो बहुत स्मूथली ग्लाइड हो गया एक्सेस जो क्रीम था वो हट गया और एग्जैक्टली exactly मेरे बाल स्ट्रेट हो गए एक्जैक्टली exactly, मतलब मतलब करके देखना पड़ेगा आपको कि आपको लगेगा कि भाई वाह एग्जैक्टली exactly वही फील आएगा जो आपको सिलॉन में ट्रीटमेंट्स कराने पे आता है कि आपके बाल कंप्लीटली स्ट्रेट हो चुके हैं इसके बाद जब आपने अपने सारे बालों में अच्छे से ट्रीटमेंट कर लिया है अच्छे से एप्लीकेशन कर लिया है तो आप अपने बालों को पीछे एक साथ ले लीजिए कोशिश मत कीजिए तो आप कंगी करने की आप नहीं करना है जस्ट फ्री हैंड से धीरे धीरे लूज हैंड से अपने बालों को एक चोटी टाइप लाइए और हमें चोटी नहीं बांधनी है हमें अपने बालों को मैंने ऐसे करके प्लेन ऐसे चिपका दिया साइड में दिखा रही होंगी पूरा ऐसे स्ट्रेट रहने दिया अपने बालों को और प्लेन चिपका दिया और इसके ऊपर शार्क कैप पहन लिया यहाँ पर जो हमने शार्क कैप का इस्तेमाल किया है इट विल मेक श्योर कि आपके बाल सूखे नहीं अकड़े नहीं क्योंकि फिर धुलने में और ज्यादा परेशानी होगी आपको इसे गीला ही रखना है 20 से 25 मिनट इस मास्क को अपने बालों में लगा रहने देने के बाद आप इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे विथ प्लेन वाटर अच्छे से प्लेन वाटर वॉश कीजिए और सारा का सारा जितना भी एक्सेस है वो बाहर आ जाएगा इसके बाद आपको थोड़ा सा शैम्पू लेना है नॉट अ लॉट ऑफ इट अच्छे से शैम्पू अपने बालों को करना है ताकि कोई रेसिड्यू आपके बालों में नहीं रहना चाहिए जी हाँ एंड वंस यू वॉश ऑफ योर हेयर आपके बाल कुछ इतने अच्छे शाइनियर सुधरे हुए डिसिप्लिन बच्चों की तरह दिखने वाले हैं तो रियली रियली मैनेजेबल आई विल बी रियली हैप्पी मेरे बाल अभी गीले हैं बहुत सारे लोग कॉमेंट करते हैं आप हमेशा बोलते हैं आपके बाल गिरे मेरे बालों को सूखने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि मैं बाल धोने में लेट होता है इस वजह से उन्हें सूखने में और ज़्यादा लेट हो जाता है लेकिन आप डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए जब आप करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके बालों में क्या शाइन है वो तो प्रेरणा के बालों में भी नहीं दिखी जो हमारे बालों में आई आई वुड लव टू रीड दैट सो प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिए कोई डाउट अपने दिमाग में मत रखिए अगर डाउट है तो पहले इंग्रीडियंट्स के बारे में पढ़िए जब इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो तब का जो एप्लीकेशन होगा ना वो कॉन्फिडेंस से किया हुआ एप्लीकेशन उसकी बात ही कुछ और होगी आपको बहुत 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 कमाल के रिजल्ट मिलेंगे एंड आई चैलेंज यू कि अगर आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट रिबॉन्डिंग स्मूदनिंग स्ट्रेटनिंग जो भी कराने की सोच रहे हैं इस एप्लीकेशन के बाद मिनिमम एक से दो महीने के लिए तो वो पोस्टपोन होने ही वाला है और अगर हर महीने आप इसको ट्राई कर सकें अपने लिए तब तो शायद आप कभी करा ही नहीं पाएंगे सैलॉन जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि घर पे अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे तो हमेशा की तरह आशा करती हूँ कि मेरे परिवार ने मेरी इस प्रस्तुति को भी इंजॉय किया होगा अगर किया है तो थम्स अप दे दीजिए नीचे लिखा है ना लाइक उसको क्लिक कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए क्योंकि मैं ऐसे ही कमाल की चीजें लेकर यहाँ आती रहती हूँ मेरा परिवार एंजॉय करता है हम साथ में एंजॉय करते हैं वी वुड लव टू हैव यू वेल अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं कुछ नया लेकर आती रहूं मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ यू नो इनोवेटिव करती रहूं तो मेरा प्रोत्साहन करते रहिए कमेंट्स लिखते रहिए मुझे बताते रहिए दैट आपको क्या पसंद आ रहा है क्या क्या इंप्रूवमेंट मैं कर सकती हूं आई वुड लव लव आप सभी के सजेशन्स वेटिंग फॉर ऑल ऑफ टाइम मैं आप सभी से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में विथ समथिंग मैजिकल टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर एंड नो फॉर श्योर आई लव यू एब्सल्यूटली स्ट्रेट बाल भैया बहुत ही बढ़िया देखो मैंने कान के पीछे डाले थे ना तो हल्के से यहाँ वे भी हो गए अगर आप कान के पीछे नहीं डालोगे बिल्कुल सीधे रहने दोगे बालों को तो देखो बढ़िया सीधे रहेंगे बिल्कुल सुधरे हुए कोई परेशानी नहीं इन बालों पे अगर आप हल्का सा मतलब वो हीट कोम या फिर स्ट्रेटनिंग आयन करोगे ना मतलब कोई बता नहीं सकता कि पार्लर में नहीं कर रखे हैं ऑल द बेस्ट a ट्राई एंड लेट मी नो आपके लिए कैसन रहा बढ़िया